एक समय की बात है, एक जंगल में बबलू चिड़िया और टोनी चिड़िया रहती थी। शादी को कुछ महीने ही हुए थे। समय के बाद टोनी चिड़िया को दो अंडे होते हैं। बबलू चिड़िया टोनी से कहता है, टोनी मेरा तो सपना है कि मुझको बेटे ही हो, क्योंकि बेटे मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। अगर बेटियां हो गई तो मेरा बुढ़ापा उनके जहेज में ही गुजर जाएगा। जिस बाप की बेटियां होती हैं ना, उस बाप की जिंदगी बहुत तंग हो जाती है। आजकल महंगाई का जमाना है, इसलिए तुम दुआ करो कि हमें बेटे ही हो। जी देखिए, आप ऐसा मत कहें, मैं दुआ जरूर करूंगी कि हमें बेटे ही पैदा हो, लेकिन बेटियों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ओ, मैं भी तो बेटी हूँ ना किसी की। आपने किसी की बेटी के साथ ही शादी की है ना। बेटियाँ और बेटे देने वाली अल्लाह ताला की जात है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। टोनी, आगे से जुबान मत चलाया करो। तुम्हें मैंने जितना कहा तुम उतना ही करो। मुझे बेटे ही चाहिए। अगर बेटियां हुई ना तो तुम्हें मैं देख लूंगा, समझी तुम। फिर कुछ समय के बाद टोनी को दो बेटे होते हैं। वक्त गुजरता जाता है, एक साल हो जाता है। टोनी को फिर एक अंडा होता है और बबलू चिड़िया कहता है, टोनी मुझे लगता है इस अंडे में बेटी होगी, तो हम ये अंडा किसी को दे देते हैं, मान लो मेरी बात। जी कैसी बात कर रहे हो आप, मैं कैसे अपना अंडा किसी को दे सकती हूँ। ये मुझे लगता है इसमें बेटा होगा, आप परेशान मत हो। टोनी तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती, वो लगातार बेटे नहीं होते, एक बार बेटा होता है एक बार बेटी होती है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बेटियां पाल सकूं, उनका जहेज जमा कर सकूं। मेरे पास तो कुछ नहीं, कैसे बेटियों को पालूंगा। ये दो बच्चे हैं ना, हम उसी में खुश हैं, हम उसी में ही गुजारा कर लेंगे, मान जाओ मेरी बात तुम। ये मैं अपना अंडा किसी को नहीं देने वाली, समझे आप। बबलू चिड़िया गुस्से से जंगल में चला जाता है। वहां पर एक गोरी कवि और एक कालू कौवा बैठा होता है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। गोरी, कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन औलाद की खुशी से हम महरूम हैं। खुदा का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन औलाद की कमी है। मुझे कोई बेटी ही मिल जाए ना, मेरी सारी ही जायदाद की वो अकेली ही मालकिन होगी। आप ठीक कह रहे हो, काश हमें कोई बेटी ही नसीब हो जाए। जंगल में भी कोई ऐसा ही पक्षी नहीं जो हमें अपना बेटा या बेटी हमें गोद दे दे। बातें बबलू चिड़िया सुन लेता है और उनके पास जाकर कहता है, कालू जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मेरे घर पे एक अंडा है, आप ऐसा करें कि वो अंडा मुझसे खरीद लें, मैं वो अंडा बेचने के लिए तैयार हूँ। बात सुनकर गोरी कवि और कालू कौवा बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है भाई मुझे मंजूर है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं तुझको दूंगा, मुझे वो अंडा दे दो। ये मेरी बीवी बहुत जिद्दल है और कम अकल है, मैं पहले जाकर अपनी बीवी से बात करूंगा, फिर मैं आपको वो अंडा दे दूंगा। आप मुझे इसी जगह पर मिलना, मैं अपना अंडा आपको बेच दूंगा, मैं चलता हूँ। कहकर बबलू कौवा घर पे आ जाता है और अपनी बीवी को आकर कहता है, देखो टुनटुनी मेरी बात को समझने की कोशिश करना, तुम और एक मैं और दो हमारे बच्चे को, फैमिली इतनी ही होती है, हमारे दो बेटे कल को हमारा सहारा बनेंगे, ये तुम्हारे पास जो अंडा है में से बेटी होगी। जंगल में मुझे एक गोरी कवि और एक कालू कौवा मिले थे, वो बहुत ही अमीर थे कि कोई औलाद नहीं, अगर हमारी बेटी उनकी औलाद बन जाए तो उनकी सारी जायदाद की इकलौती ही वारिस होगी, ये अंडा उनके आगे बेच देते हैं। उस अंडे से जो पैसे आएंगे हम अपने दोनों बच्चों का एक लैदा लैदा घर इनको ले देंगे। देखो बबलू जी, मैं नहीं मानने वाली, आप जो मर्जी करो, मैं अपना अंडा कभी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई सारी दुनिया दे दे। टोनी,
ऐसे मत करो, बच्चों वाली बातें मत करो, बात को समझने की कोशिश करो तुम। तुमने अपने हाथों से यह अंडा ना दिया तो मैं तुमसे यह अंडा छीन लूँगा और तुमको बहुत ही ज्यादा मारूंगा। ये बेहतर है कि खुशी से ही अंडा दे दो इधर। चाहे मुझे जितना मर्जी मार ले, जो मर्जी कर ले, मैं अपना अंडा कभी भी नहीं दूंगी, समझे आप? बात सुनकर बबलू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन बबलू के दिमाग में एक आइडिया आता है। हमें भूख लगी, हमें खाना दो। क्या आपको मालूम है, इसने मुझे आज बहुत मारा और ये मुझे बहुत मारता है, आप इसका इलाज कर ले। मेरे बच्चों, मैं तुमको खाना देती हूँ, आओ मेरे साथ किचन में तुम। टोनी वहाँ से चली जाती है और बबलू चिरा पीछे से वो अंडा लेकर गायब हो जाता है। रात वो बाहर ही गुजार लेता है। वो सुबह हो जाती है, बबलू चिरा उनको अंडा दे देता है और उनसे पैसे ले लेता है। पैसे लेकर वो घर पे आता है। टुनटुनी, पैसे ही पैसे, हमारी जिंदगी बदल गई। टुनटुनी सबर कर जाती है और सोचती है, कोई बात नहीं, मैं फिर से अंडा ले लूंगी, फिर से बच्चा ले लूंगी। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें। आपको मिलेंगे पार्ट 2 में।